मॉर्निंग बीएड सेकंड ईयर की हिस्ट्री क्लास में आज हम पढ़ेंगे शिक्षक तथा उसके व्यावसायिक क्षेत्रों में भूमिका। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शिक्षक। शिक्षक वह व्यक्ति होता है जो अंधकार रूपी आवरण को दूर करके व्यक्ति को प्रकाश रूपी आवरण की ओर ले जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक का अतुल्य योगदान होता है। मनुष्यवार्थ भाव से अपनी भूमिका का निर्वाह करता है जिसके कारण शिक्षक का समाज में आदर होता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षक एक मोमबत्ती के समान है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है। अब शिक्षक के गुण। शिक्षक के निम्नलिखित गुण इस प्रकार हैं। पहला है नैतिक गुणों से परिपूर्ण। एक अच्छा शिक्षक वही व्यक्ति बन सकता है जिसमें नैतिकता की परिपूर्णता होती है। यदि शिक्षक के अंदर नैतिकता के गुण होंगे तो वह अपने छात्रों में नैतिकता के आचरण का विकास कर सकेगा। फिर दूसरा है उत्तम स्वास्थ्य। एक शिक्षक का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहना चाहिए। वह शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए ताकि शिक्षा का कार्य अस्त व्यस्त न हो और शिक्षा का कार्य निरंतर चलता रहे। अतः सफल शिक्षण कार्य के लिए एक अच्छा स्वास्थ्य होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट है संवेगात्मक संतुलन। अच्छा शिक्षक वही व्यक्ति बन सकता है जिसका अपने संवेगों पर संतुलन हो। जैसे शिक्षक को कभी भी एकाव में न आना, आवेश नहीं करना, छात्रों के साथ पक्षपात न करना आदि। फिर नेक्स्ट है सामाजिक गुण। शिक्षक समाज की धुरी है अतः उसे हमेशा समाज के साथ संतुलन बनाए रखना चाहिए। इन्हीं गुणों के कारण शिक्षक का समाज में आदर किया जाता है। नेक्स्ट है विषय का संपूर्ण ज्ञान। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि उसे अपने विषय पर नियंत्रण रखते हुए अपने विषय की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तभी वह अपने छात्रों में विषय के प्रति अध्ययन में रुचि जागृत कर सकता है। फिर नेक्स्ट है फिर व्यावसायिक क्षेत्र में शिक्षक की भूमिका। व्यावसायिक क्षेत्र में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक अपने छात्रों को व्यवसाय से संबंधित शिक्षा देता है जिसके द्वारा छात्र उचित व्यवसाय को सुनकर अपनी आजीविका का निर्वहन करते हैं। व्यावसायिक क्षेत्र में शिक्षक की भूमिका तीन रूपों में होती है। वे इस प्रकार है नेतृत्व की भूमिका के रूप में। शिक्षक के अंतर्गत नेतृत्व क्षमता का गुण होना अति आवश्यक है तभी वह कक्षा के सभी छात्रों का नेतृत्व कर पाएगा और अपने नेतृत्व की भूमिका निर्वहन कर पाएगा। शिक्षक नेतृत्व की भूमिका का निर्वहन करते हुए निम्न कार्य करता है। वह इस प्रकार है पहला समय सारणी का नियोजन करना। नेतृत्व के रूप में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि वह विद्यार्थियों के लिए एक उचित समय सारणी का नियोजन करे ताकि छात्र उस समय सारणी का पालन अनुशासन के द्वारा कर सके। फिर दूसरा है चुनौतियों और अवसरों की पहचान। कक्षा के अंदर सभी विद्यार्थी समान नहीं होते। कोई प्रतिभाशाली होता है तो कोई मन बुद्धि छात्र तो कोई आपराधिक प्रवृत्ति वाला छात्र होता है। अतः इन सभी की जानकारी शिक्षक को होती है तो शिक्षक को छात्रों की सेवा चुनौतियों का सफलतापूर्वक समाधान करते हुए उनको आगे बढ़ने का अवसर स्थानुकूल देना चाहिए और अध्यापक को छात्रों की चुनौतियों व अवसरों की पहचान करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है मूल्यांकन पर जोर। शिक्षक की व्यावसायिक क्षेत्र में भूमिका निर्वहन करते हुए नेतृत्व की भूमिका में मूल्यांकन पर अधिक मात्रा पर जोर देता है ताकि मूल्यांकन के द्वारा छात्रों की रुचि और अभिवृत्तियों व योग्यता की जानकारी प्राप्त होती है। अब दूसरा मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक की भूमिका। एक अच्छा शिक्षक वही है जो अपने छात्रों को उचित मार्गदर्शन करावे और छात्रों को सफलता तक पहुँचाए। तो मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे इस प्रकार है पहला है छात्रों की उनकी योग्यता और शक्ति का ज्ञान कराना ताकि वह अपनी क्षमता के अनुसार अपना विकास कर सकें। दूसरे छात्रों का ध्यान लक्ष्य की ओर केंद्रित करते हुए लक्ष्य प्राप्ति में सहायता प्रदान करवाना। फिर नेक्स्ट है छात्रों के सर्वांगीण विकास में इस प्रकार सहायता देना कि वह अपनी वातावरण के साथ संतोषजनक ढंग से समायोजन कर सके। अब शिक्षक की तीसरी व्यावसायिक क्षेत्र में भूमिका परामर्शदाता के रूप में। शिक्षक के सलाहकार के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह अपनी सलाह या परामर्श के द्वारा छात्रों को उचित लक्ष्य तक पहुँचाने में सफलता अर्जित करता है।
परामर्शदाता के रूप में शिक्षक अपने छात्रों के सर्वांगीण विकास पर बल देता है ताकि विद्यार्थी शारीरिक मानसिक एवं आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहे। दूसरा, परामर्शदाता के रूप में शिक्षक शिक्षा के आवश्यक प्रयोगों अपव्यय व अवरोधों को रोकने के लिए छात्रों को प्रेरित करें। तीसरा है, समस्यात्मक बालकों एवं अपराधी बालकों में सुधार हेतु बालकों का परामर्श देता है। इस प्रकार आज की क्लास में इतना ही।